कांग्रेस पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। वही कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत छोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में मिले अपार जन समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री को फ्लॉप अशोक कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता राहुल गांधी के और भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। भाजपा उस पर उस जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए उसके नेता इधर उधर उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, दरअसल जो जनता का जनसमर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी के इस अभियान को, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आज उनकी हताशा है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है जनता का जनसमर्थन मिल रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको एहसास हो जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम दे करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की।